ठीक है, मेरा आईडी भेज दीजिएगा, आप फिर जाएंगे अभी पुलिस लाइन में, तब तक साहब का विदाई समारोह कर। अच्छा, हम देख लेंगे, बापू जी देख लेंगे, अभी थोड़ा बिजी। कहते हैं कि जो प्रवासी भारतीय दिवस में आपकी ट्रैफिक की व्यवस्था थी और व्यवहार था पुलिस का व्यवहार, वो सामान्य टाइम पे भी आपको रेप्लिकेट करने के लिए कोशिश करनी पड़ी, तो एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। पहली बार इस साइज के टाउन में इस तरह का इवेंट हुआ था। हमेशा इस तरह के इवेंट जो है बड़े बड़े महानगर पर क्या कहना चाहेंगे और क्या सुझाव बेहतर पुलिसिंग के लिए? ये आज यहाँ पुलिस लाइन में एक समारोह था और उसमें मैंने सभी अपनी टीम के प्रति जो है आभार व्यक्त किया। ये एक बहुत अच्छी टीम है जिसके द्वारा कई सारे यहाँ पे चैलेंजिंग असाइनमेंट जो है पूरे किए गए हैं और एक प्रोफेशनल पुलिसिंग का एक मिसाल खड़ी की है। और मैं यही चाहूँगा कि ये लोग भविष्य में भी इसी तरह से काम करते रहे और पुलिसिंग के प्रति अपना योगदान दें। सर, 16 महीने आपके पूरे हो चुके हैं कार्यकाल, क्या कहना चाहेंगे काशीवासियों से? काशी एक बहुत अच्छा शहर है, धार्मिक नगरी है और यहाँ पे सेवा करने का एक अलग आनंद है। बहुत लोगों का जिनका सौभाग्य होता है उनको ये सेवा का अवसर मिलता है और मैं पर्सनली इसके लिए बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे 15-16 महीने यहाँ पे रहने का मौका मिला। बहुत कम लोगों को इस तरह का अपने करियर में जो है अवसर मिलता है जो हमें मिला, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं और काशीवासियों का भी बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस पूरे कार्यकाल में बहुत अच्छे से सहयोग किया, सपोर्ट किया पुलिस को। छोटे छोटे कई लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट थे, कई आयोजन थे, उनमें बहुत सहयोग दिया, सहभागिता की पुलिसिंग के वर्क्स में, उसके लिए मैं आभारी हूं। सर, काफ़ी गुड वर्क आपने किया लेकिन क्या अभी भी कुछ ऐसा रह गया वाराणसी में जो आप पूरा करना चाह रहे लेकिन समय कम रहे? ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती है, हमेशा जब आप जाते हैं तो वो कम्प्लीट इनकम्प्लीट रहती है और मुझे लगता है कि हमारे जो टीम के मेंबर्स हैं वो इसको जानते हैं और ये निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे। No.
Thank you.